हुआ सम्मान बेटो, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब जय श्री राम। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बर्दाश्त नहीं होगा? अरे ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं? कौन कौन पता ही नहीं है आप लोगों को? अरे ये तमाम ये पर्यावरण वाले जो पर्यावरण शास्त्री बोलते हैं अपने आप को, हैं ये क्या हिंदू हो गए? और ये केजरीवाल और ये तमाम विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं, पटाखों पे बैन लगा रहे हैं, हैं और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। बताइए हिंदुओं के त्यौहार दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो भाई साहब ये बताइए हम दिवाली मनाएंगे कैसे? हैं हमारी सदियों पुरानी परंपरा पटाखे छोड़ने की, हजारों साल से हम परंपरा के साथ दिवाली मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पटाखे मत फोड़ो हिंदू विरोधी लोग। भाई बिना पटाखे के घर दिवाली कोई मनाता है तो दिवाली मानी नहीं जाएगी, ये इन लोगों को पता नहीं है। तो भाई साहब किसी के कहने पर नहीं आना, धड़ाधड़ पटाखे फोड़ने हैं क्या? पॉल्यूशन? अरे यार तुम फालतू लोग, पॉल्यूशन पॉल्यूशन, अरे पॉल्यूशन हो भी गया तो क्या हुआ है? अरे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा बुजुर्गों को, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं घर में मोहल्ले में, ये 10-15 दिन खांसेंगे ये लोग। भाई इनको भी तो सोचना चाहिए ना बुजुर्गों को, यार हिंदुत्व का इतना बड़ा ये सब हो रहा है तो इन बुजुर्गों को भी तो योगदान देना चाहिए। बड़े आए पॉल्यूशन वाले, अरे क्या हो गया, महीना 15 दिन ऑड इवन लगेगा, हम लोग पैदल चल लेंगे, बगैर गाड़ी के चल लेंगे, लेकिन भाई साहब पटाखे फोड़ेंगे। ये जो हिंदू विरोधी लोग हैं ना, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, पटाखे मत फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो। हैं सारा ज्ञान मतलब सिर्फ पटाखों पे ही आ गया है कि पटाखे मत फोड़ो। भाई कोई मानना मत, दिवाली की पूजा भले ही बाद में कर लेना, लेकिन पटाखे पहले से फोड़ना, 2 घंटे पहले से धड़ाधड़ फोड़ना, ऐसा फोड़ना ना कि एक एक गली धुआं धक्कड़ हो जाए एकदम, हाँ सांस लेना मुश्किल हो जाए ये केजरीवाल का, इतने पटाखे फोड़ना। हिंदू विरोधी लोग पटाखे मत फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो। है भाई हमारे दिवाली मनाने के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है पटाखे, क्या शास्त्रों में नहीं लिखा है? पटाखे का जिक्र ही नहीं है? अरे यार तुम लोग ऐसे कैसे नहीं लिखा होगा? हमको तो लग रहा है कि ये लिखा होगा शास्त्रों में, ये नेहरू जी ने वो लाइन कटवा दी होगी। नेहरू जी को समझ नहीं रहे हो? 8 साल से हमारे मोदी जी समझा रहे हैं नेहरू जी के बारे में, संबित पात्रा समझा रहे हैं, स्मृति ईरानी समझा रही हैं, और तो और तोतला भाट ओ, क्या नाम गौरव भाटिया भी समझा रहे हैं कि नेहरू जी जो थे ना बहुत बड़े, मतलब हाँ इनसे भैया संभल के रहो, और 2024 में मोदी जी को फिर से वोट दो तो नेहरू जी ने जो लाइन कटवाई ना पटाखों वाली शास्त्रों में, मोदी जी फिर देखना जुड़वा देंगे। हाँ तो धड़ाधड़ पटाखे फोड़ते रहो। हाँ ये नालायक विरोधी ये लोग क्या समझे कि हिंदुत्व तो दिवाली और पटाखों का कितना महत्व है? हाँ तो हम अपना धर्म भूल जाएं बिना पटाखों की दिवाली मना लें? ये सब बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि संबित पात्रा हाँ तुम वो 1.5 क्विंटल की चटाई ले आना, चटाई आती है ना वो लड़ी चुटपुट पट 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 पूरा सेंट्रल विस्टा से लेके मोदी जी के घर तक पूरा चटाई बिछवा देना, आ थर 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 पूरी रात बजने देना, जब तक केजरीवाल के कान न बहने लगे ना तब तक फोड़ते रहना, इतना फोड़ना इतना फोड़ना, पूरा दिल्ली धुआं धक्कड़ कर देना। लेकिन हिंदुत्व के साथ त्यौहार के साथ कोई समझौता नहीं, अब हिंदू जाग गया है, फोड़ो पटाखे। और सुनो जिनके पास अगर पटाखों की व्यवस्था नहीं है, हम है ना, हाँ तमाम भाई क्या कहते हैं गरीब सनातन हिंदू तो हैं, तो हम हिंदू भाई एक दूसरे की मदद करेंगे। ये पटाखे हैं, हमारे पास पटाखों की कमी नहीं है, और भी पटाखे हैं, ये देखो पहले से पूरा जुगाड़ करके रखा है, हाँ सब भाइयों के लिए, जिसको चाहिए तुरंत हिंदू भाई ये लेके जाओ, और पटाखे खूब, पटाखों की कमी नहीं है, और बोरा भर के मंगवाया है। लेकिन अब हिंदुत्व के साथ त्यौहार के साथ कोई खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, फोड़ते रहो पटाखे, खांसने दो लोगों को। हैं पॉल्यूशन की बात करते हैं हम, अपना पॉल्यूशन के चक्कर में मतलब धर्म से समझौता कर लें, त्यौहार से समझौता कर लें ना। हाँ बेटा फोड़ो पटाखे, क्या
अबे तुम जाओ यार, तुम फालतू आदमी हो यार। वो कह रहे हैं कि पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होता है। हैं, पॉल्यूशन से क्या लेना देना। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।